रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था, लेकिन सुपर्णखा का वध नहीं हुआ था। उसकी नाक और कान काटकर उसे छोड़ दिया गया था। वो कपड़े से अपने चेहरे को छुपाकर रहा करती थी। रावण के मर जाने के बाद वो अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म ना हो इसीलिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की। शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने डर की वजह से वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज अरब में मक्का मदीना में है। सुपर्णखा जो उस समय चेहरा ढककर रहती थी वो परंपरा उसके बच्चों ने पूरी तरह निभाई। आज भी मुस्लिम औरतें अपना चेहरा ढककर रहती हैं। सुपर्णखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दान दिया, इसलिए ये शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं। पूरी जानकारी तथ्यों पर आधारित और सत्य है। आगे देखिए दोस्तों, अब जानते हैं कि इस्लाम कैसे पैदा हुआ। असल में दोस्तों इस्लाम कोई धर्म नहीं है, वो एक मजहबी दिनचर्या है। मजहब का मतलब होता है अपने कबीलों के गिरोह को बढ़ाते चले जाना। ये बात सभी जानते हैं कि मोहम्मद मूल रूप से अरब का वासी था। अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान ही पाए जाते हैं, वहां जंगल नहीं है, पेड़ भी नहीं है, इसलिए वहां मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी ना होने के कारण जमीन में दफन कर दिया जाता है। रेगिस्तान में हरियाली नहीं होती, ऐसे में रेगिस्तान में हरा चटक रंग देखकर इंसान चला आता है, जो कि सूचक का काम करता है। अरब देशों में लोग रेगिस्तान में तेज धूप में सफर किया करते थे, इसीलिए वहां के लोग सिर को ढकने के लिए टोपी पहनने लगे, जिससे कि लोग बीमार ना पड़े। अब रेगिस्तान में खेत तो थे नहीं, ना ही फल थे खाने को, तो वहां अनाज नहीं होता था, इसीलिए वहां के लोग जानवरों को काट कर खा जाते थे और अपनी भूख मिटाने के लिए इसे कुर्बानी का नाम दे दिया गया और एक प्रथा बना दी गई, फिर त्योहार बना दिया गया। रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी रहती थी, इसीलिए लिंग यानी मूत्र मार्ग साफ करने में पानी बर्बाद ना हो जाए, इसीलिए वहां के लोग यानी इस मजहब के लोग अपना खतना करने लगे। खतना यानी अपने प्राइवेट पार्ट का अगला हिस्सा काटने लगे। सब लोग एक ही कबीले के खानाबदोश होते थे, इसीलिए आपस में भाई बहन ही निकाह कर लेते थे। रेगिस्तान में मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी मिलती नहीं थी, जिसके कारण इन्होंने मूर्ति पूजा को अपने कबीले में यानी अपने मजहब में खारिज कर दिया। एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, इसीलिए कम बर्तन भी रखते थे। एक ही थाली में पांच लोग मिलकर खाना खा लिया करते थे। कबीले की अधिक से अधिक संख्या बढ़ाई जा सके, इसीलिए हर एक को चार बीबी रखने की इजाजत दी गई थी। अब समझे इस्लाम कोई धर्म नहीं, मात्र एक कबीला है जो सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने के लिए बनाया गया है, और इसके नियम असल में इनके सिद्धांत नहीं, इनकी दिनचर्या है। सबसे बड़े लुटेरों को खलीफा और अन्य बहुत सारी उपाधियां दी जाती थी ताकि उनका कबीला बढ़ सके। इस बात से साबित हो जाता है कि इस्लाम कोई धर्म नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा गिरोह है जिसका एक ही एजेंडा है, जहां जाना वहीं पर बस जाना और अपना अधिकार मांगना और वहां की मूल जनसंख्या को पूरी तरीके से समाप्त करके अपने इस्लाम मजहब को आगे की पीढ़ी को जबरदस्ती कबूल कराना। इनका मुख्य टारगेट उस देश के आदिवासी होते हैं। जब तक ये उन आदिवासियों के बीच कम होते हैं बस तभी तक ये अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। जब इनकी जनसंख्या उस जगह के मूल निवासियों के एक तिहाई या बराबर हो जाती है तब ये धर्म परिवर्तन कराकर रातों रात 2000 से 2 लाख मुस्लिम की योजना पर काम करते हैं। भारत के कुछ गांव, जिले, राज्य इस्लाम की इस योजना में पूरी तरह से शामिल हो भी चुके हैं। तो दोस्तों ये था इस्लाम के पूर्वजों का इतिहास। इनके पूर्वज कौन थे? इनके पूर्वज ही राक्षस थे। इसीलिए दोस्तों मुसलमानों से देवताओं और धर्म वाली उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है।